नमस्कार दोस्तों, स्टार फ्रूट या कमरख नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा। पर दोस्तों, यह फ्रूट्स न सिर्फ खट्टे मीठे और स्वादिष्ट है, पर यह शरीर के लिए भी बहुत ही गुणकारी फ्रूट्स है। आमतौर पर यह जमीन में उगाया जाता है, लेकिन दोस्तों आप इसे अपने टेरेस पर, अपने गार्डन पर भी गमले में इजीली उगा सकते हो। और मैं इस वीडियो में यही आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप इसे गमले में कैसे उगाते हैं और उसे कैसे मेंटेन करते हैं। मेरा यह कमरख का पौधा 1.5 साल पुराना है और उसमें ऐसे ढेर सारे फ्रूट्स भी लगे हैं और साथ ही में फ्लावरिंग भी अभी है, तो मुझे कंटिन्यू कमरख के फ्रूट्स मिलते रहेंगे। कमरख का पौधा समर से लेकर विंटर के मिडल तक निरंतर फ्रूट्स देता रहता है और एक बार फ्रूट्स आ जाए उसके कुछ ही दिन बाद फिर से फ्लावरिंग उसमें शुरू हो जाती है। दोस्तों, वैसे तो कमरख को जमीन में उगाएंगे तो यह 15 से 30 फुट तक बढ़ सकता है, पर आप इसे अपने घर पर गमले में भी लगा सकते हैं जैसे कि मैंने लगाया है। उस तरह आप इसे ग्रो करके उसके फ्रूट्स का आनंद आप अपने घर पर ही अपने टेरेस पर भी ले सकते हैं। मैंने यह प्लांट नर्सरी से लिया था और ग्रो करने के 1 साल के बाद ही मैं उसमें फ्रूट्स आने शुरू हो गए थे। दोस्तों, इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ही फास्ट है, तो आपको इसकी रेगुलर प्रूनिंग करनी पड़ेगी। कमरख के प्लांट को आप मिनिमम 1.5 से 2 फुट या फिर इससे भी बड़े पॉट में ग्रो कर सकते हो। और जैसे ही यह प्लांट 2 से 3 फीट तक बड़ा हो जाए तो आप इसको प्रून करना शुरू कर दें। आप इसको जितना प्रून करेंगे उतने ही साइड ब्रांचेस ज़्यादा होगी और हमको उतने ही ज़्यादा फ्रूट्स मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, क्योंकि यह प्लांट हमने पॉट में ग्रो किया है, तो आप इसे 3 साल में एक बार उसके रूट्स को प्रून जरूर करें। और यह काम आप जब भी करें बारिश की सीजन में ही करें, ताकि रूट्स फिर से पॉटिंग मीडिया में अच्छी तरह से सेट हो जाए। मैंने इस पॉट में रिवर सैंड, कंपोस्ट, कोकोपीट और गार्डन सॉइल मिक्स करके एक अच्छा सा वेल ड्रेन्ड सॉइल बना लिया है और इसमें इस कमरख के प्लांट को ग्रो किया है। कमरख के फ्रूट ज़्यादातर ब्रांचेस पर ही लगते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और मेरे इस 5 फीट प्लांट में मिनिमम 15 से 20 फ्रूट लगे हैं। और जैसे जैसे यह प्लांट बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, यह फ्रूट्स की संख्या भी बढ़ती जाएगी। दोस्तों, शुरू में आप प्लांट को किसी भी लकड़ी से सपोर्ट करें जैसे कि मैंने किया है, और जब यह प्लांट मैच्योर हो जाएगा तो फिर इस लकड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, स्टार फ्रूट एक स्वादिष्ट फल तो है ही, पर यह विटामिन सी, विटामिन बी, फाइबर और कई और पोषण मूल्यों को भी प्रदान करता है। स्टार फ्रूट यानी कि कमरख का सेवन हृदय की बीमारी में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, रक्त को शुद्ध करने में और पाचन यानी कि डाइजेशन संबंधित बीमारी में बहुत ही लाभकारी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस मूल्यवान प्लांट को कैसे पूरे साल अच्छे से मेंटेन करते हैं वो अगली स्लाइड में देखते हैं। और हाँ दोस्तों, कमरख के प्लांट के आसपास आप सदाबहार, रोज, जास्मीन जैसे फ्लावरिंग और खुशबूदार पौधे रखें, जिससे कि ये जो कमरख के फ्लावरिंग्स है उसका पॉलिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो और हमें अधिक से अधिक फ्रूट्स मिले। कमरख के प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स आए, इसके लिए आप हर 2 महीने में एक बार ये गाय का गोबर और भेड़ बकरी का जो खाद आता है उसका मिक्सचर इस प्लांट में देते रहे, और जब भी उस पर फ्लावरिंग आए आप ये काव यूरिन और नीम ऑयल का मिक्सर वाला स्प्रे हर हफ्ते करते रहे, ताकि जो उस पर कमरख के प्लांट पर फ्लावरिंग आए हो वो गिर ना जाए। कमरख के प्लांट को आप जहां धूप 6 से 8 घंटे तक मिलती हो ऐसी जगह रखें और उसको पानी आप नियमित देते रहेंगे, तो यह प्लांट पूरे साल आपको स्वादिष्ट और हेल्दी फल देता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको इस प्लांट के बारे में और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।